नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 45 है। दोस्तों, आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सेट पैटर्न और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सारे पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों संख्या में, देखिएगा कह रहा है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसको आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और एक चीज देख लीजिए दोस्तों, मैथ में करना क्या है, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन दोस्तों आप समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं हैं 1:3:5 के अनुपात में है और उनका योग क्या कह रहा है दोस्तों, 10,800 है। कह रहा है कि तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कौन होगी सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप क्या करेंगे, रेशियो क्या दिया दोस्तों, 1:3:5। ठीक है, तीनों रेशियो का योग क्या होगा दोस्तों, ठीक है, रेशियो का योग कह रहे हैं, तो 1:3 जोड़ेंगे 4 और 4:5 जोड़ेंगे क्या होगा 9, यानी जोड़ने पे क्या होगा 1:3:4, 4:5, 9, 9 हो जाएगा। 9 रेशियो है दोस्तों, 9 रेशियो बराबर क्या दिया है दोस्तों, उनका योग क्या कह रहे हैं ना, उनका योग कह रहे हैं 10,800 है। तो 9 रेशियो बराबर दोस्तों 10,800 कितना दोस्तों, 9 रेशियो बराबर 10,800, तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा, 10,800 को 9 से भाग कर दीजिए, तो 9 1 9 9 2 18 क्या आ जाएगा दोस्तों, 1200 आ जाएगा। कितना आएगा, 1:1200। प्रश्न में पूछ क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तीनों में जो सबसे बड़ा रेशियो होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी सबसे बड़ा रेशियो क्या है दोस्तों, इसमें 5 है, क्या है 5 है ना, तो 1:1200, तो 5:1200 दोस्तों क्या होगा बताइए, 1:1200, तो 5:1200 क्या होगा, 1200 × 5 यानी कि 12×5=60, यानी कि 6000 हो जाएगा। 5:1200 दोस्तों क्या होगा, 6000। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 6000 हो जाएगा। अब देखिए 6000 किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन है पूछ ले सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 1 रेशियो होगा, क्योंकि रेशियो क्या है 1:3:5 के अनुपात में ना, तो सबसे छोटा रेशियो क्या होगा 1:1 बराबर पूछेगा तो क्या होगा, छोटी संख्या 1200 हो जाएगी। बीच वाली संख्या पूछेगा तो कितने रेशियो में है, 3 रेशियो में है, तो 1:1200, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, 3600 होगा। या पूछ सकता है दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के जो है उनका अंतर क्या होगा, ठीक है, उनका योग क्या होगा, बस यही सब क्वेश्चन इस पे बनते हैं। बस आपको करना क्या है दोस्तों, 1 रेशियो की वैल्यू निकालना है, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, नव्या और काव्या, ठीक है, नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 300 है, 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो पहले आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। इसमें दो लोग हैं, कौन कौन है दोस्तों, नव्या है और कौन काव्या है, ठीक है, उनकी आयु का योग क्या कह रहे हैं दोस्तों, 35 वर्ष कह रहे हैं, यानी कि दोनों को आयु जोड़ दिया जाए, एज का योग कह रहे हैं, एज को हम जोड़ देंगे तो 35 वर्ष होगी। फिर कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल, क्या कह रहे हैं, जो एज है उनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो 300 हो जा रहा है, कितना हो रहा है, 300 हो जा रहा है। फिर कह रहे हैं 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी, ठीक है, 1 वर्ष बाद पूछ रहा है क्या होगी। तो देखिए अभी आपको करना क्या है दोस्तों, 1 वर्ष पहले निकालना है कि आयु का योग क्या 35 हो रहा है कि नहीं। पहले देखिए यहां पे नव्या 20 वर्ष की होगी 1 वर्ष बाद, और काव्या जो है दोस्तों क्या होगी 1 वर्ष बाद 16 वर्ष की होगी, ठीक है, तो यानी कि 1 वर्ष पहले इनका आयु क्या रहा होगा दोस्तों, 19 रहा होगा, और 1 वर्ष पहले काव्या की आयु क्या रहा होगा दोस्तों, 15। क्या दोस्तों 19 15 जोड़ने पे 35 वर्ष होगा, बताइए 35 वर्ष होगा, 19 15 जोड़ने पे 35 नहीं होगा, 34 होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से ही बहुत आसान हो जाता है दोस्तों, सेकेंडों में सॉल्व होता है, अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो
5 से 6 मिनट लगेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। एक वर्ष बाद ये दिया हुआ है, ठीक है, तो एक वर्ष पहले क्या रही होगी दोस्तों, 21 वर्ष है तो ये 90 की आयु 20 वर्ष, और एक वर्ष पहले काव्य की आयु क्या रही होगी दोस्तों, 16 वर्ष है एक वर्ष बाद, तो एक वर्ष बाद 16 है, तो एक वर्ष पहले क्या रहा होगा दोस्तों, ये आपको बताना है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा होगा दोस्तों, ये चीज आपको 16 में से बस एक घटाना है, 15 हो जाएगा, बस इतना। क्या दोस्तों 20 और 15 का योग क्या होगा, 35 होगा, हाँ 35 होगा। अब करना क्या है दोस्तों, फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल 300 है, तो 20 गुणे 15 करने पे क्या दोस्तों 300 आएगा। देखिए 20 गुणे 15 करने पे क्या 300 आएगा, तो 15 दुना के 30 यानी 300 आएगा। यानी क्या कर रहा है दोस्तों, ये दोनों जो कंडीशन दिया है दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी दोस्तों, 21 वर्ष और 16 वर्ष होगी, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, आप ओरल कर सकते हैं। देखिए एक वर्ष बाद 21 होगा तो प्रेजेंट टाइम में क्या होगा 20, एक वर्ष बाद 16 होगा तो प्रेजेंट टाइम में क्या होगा 15, 15 20 का योग क्या होगा दोस्तों 35 होगा, 15 20 का गुणनफल क्या होगा दोस्तों 300 होगा। बस ये ओरल है, सेकेंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आपको एक्स नहीं मानना है ना कुछ भी मान के सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिएगा दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा। लास्ट में दोस्तों मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, होमवर्क के तौर पर, टेस्ट के तौर पर, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं, इसके लिए भी आसान तरीका है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन है एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है, 10 दिन पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा, ये कह रहा है। अब क्वेश्चन मैं समझाता हूं, पहले समझिएगा क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है एक किला है, ठीक है, 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है, राशन का मतलब खाने का जो होता है सामान, ठीक है, तो 160 दिनों के लिए है। फिर कह रहा है 10 दिन के पश्चात, 10 दिन के पश्चात मतलब 10 दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, कह रहा है समान दर पर जितना वो भोजन करे उसी हिसाब से भोजन करे, तो राशन कितने दिनों तक चलेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है अगर, तो इसके लिए M1 D1 बराबर M2 D2 सबसे आसान तरीका होता है। देखिए कितने लोग हैं दोस्तों, 540 लोग हैं, ठीक है। देखिए 160 दिनों का राशन है, लेकिन आदमी आ कब रहे, 10 दिनों के पश्चात, तो अब राशन उनके लिए कितने दिन के बचा है जब आदमी आए हैं, तो देखिएगा यहां पे आपको करना क्या है, 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा 10 दिनों के पश्चात हो रहा है, यानी कि 10 दिन के बाद आ रहे हैं, तो 10 दिन बाद कितने दिन के लिए 540 लोगों का भोजन बचा होगा दोस्तों, 10 दिन कम कर लीजिए यानी कि 150 दिन का भोजन होगा, सॉरी यहां देखिएगा यहां पे होगा दोस्तों 150 दिन का भोजन और क्या होगा दोस्तों इनके पास बचा है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, अगले कंडीशन में 60 आदमी और शामिल हो गए, 60 आदमी और शामिल हो गए, तो 540 में 60 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 600 लोग हो गए। अब भोजन कितने दिन चलेगा, D2 दिन चलेगा, इसी D2 की आपको वैल्यू निकालना है, आंसर आ जाएगा तुरंत। ये देखिए 600 बराबर के इधर क्या है दोस्तों, गुने में, तो बराबर के दोस्तों इधर में आएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, देखिएगा जब ये इधर आएगा तो नीचे भाग में हो जाएगा, ये चीज आपको बेसिक वाले चैनल पे बताऊं, ठीक है, बेसिक वाले चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। देखिए यहां 600 हो जाएगा, अब क्या करना है, कटा लेना है, D2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 54 होता है, यानी कि 9 बार में कैंसिल हो गया, 9 गुणे 15 करेंगे, 9 गुणे 15, 15 9 क्या होता है 135, तो D2 बराबर दोस्तों क्या होगा, D2 बराबर होगा 135 दिन। तो बताइए दोस्तों जब 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेगा, 135 दिनों तक चलेगा। अब देखिए 135 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।
करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए दोस्तों, शेयर भी किया करिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और जो नए स्टूडेंट है दोस्तों हमसे जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा वहां पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, देखिएगा चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाने सॉल्व हो जाएगा ये भी प्रश्न। देखिए कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 यानी कि 5:6 हो जाए, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों इसे भी मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक है जिनका अनुपात क्या दिया दोस्तों 3:4 यानी कि 3:4 के अनुपात में, और उनका योगफल क्या है दोस्तों 70 है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात क्या हो जाए 5:6 यानी कि 5:6 हो जाए। देखिए यहां पे दोस्तों पहले क्या है दोस्तों 3:4 है, ठीक है, इनका योग क्या होगा दोस्तों, इनका योग दिया है ना 70, यानी कि रेशियो जोड़िए, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 7 होगा, 7 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है 70 है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हैं 70 को 7 से भाग कर देंगे, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। अब रेशियो करना क्या है दोस्तों, देखिए 3:4 है, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ेगी 5:6 हो जाए, देखिए ये 3 से 5 हो जाए, ये 4 से 6 हो जाए, रेशियो में कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्स को नहीं मानना है आपको, कुछ भी नहीं मानना है, न पेन उठाना है, समझिएगा, रेशियो में कितने की वृद्धि करना है 3 से 5, 4 से 6, दो रेशियो की वृद्धि करना है। तो आपको पता है दोस्तों एक रेशियो बराबर क्या है 10 है, तो दो रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 20 होगा, जब एक रेशियो बराबर 10 तो दो रेशियो बराबर क्या होगा 20, तो कितने की वृद्धि करना होगा दोस्तों 20 की, 20 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या होगा सही हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं देखिए बिना पेन कैसे सॉल्व करना है, देखिए 3:4 यानी कि रेशियो क्या है 3 और 4, 3 4 जोड़ेंगे 7, 7 रेशियो बराबर दोस्तों 70, तो एक रेशियो बराबर 10, रेशियो में कर वृद्धि करना है 3 से 5 करना है, 4 से 6 करना है, कितने की वृद्धि करना है 2 की वृद्धि करना है। तो आपको पता है दोस्तों एक रेशियो बराबर 10 होता है, तो दो रेशियो बराबर क्या होगा 20 होगा, बस इतना ही करना है, ये ओरल हो जाएगा, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हम करंट अफेयर, साइंस, जनरल अवेयरनेस की भी वीडियो डेली प्रोवाइड करें, तो दोस्तों आपको बता दूं एसएससी मेकर चैनल पे 5 AM पे दोस्तों करंट अफेयर की डेली वीडियो प्रोवाइड की जाती है, डेली वीडियो मिलती है आपको, और जो एग्जाम में के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन वहां पे कराए जाते हैं दोस्तों, और 2 PM पे दोस्तों मैम पढ़ाती है साइंस के और जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उसको कवर कराती है, ठीक है। और 8 PM पे दोस्तों डेली मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए दोस्तों पूरी आपकी एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, और तीनों क्लासेस को दोस्तों आप डेली पढ़ा करिए, मन लगा के पढ़ा करिए, और कहीं पर आपको प्रॉब्लम भी होती है तो आप कमेंट करेंगे दोस्तों, तो उसको भी हम बहुत जल्द दूर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है ये दोस्तों, आज का प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो दोस्तों आप क्या करेंगे दोस्तों, मैथ का पार्ट नंबर 44 देख लेंगे, पार्ट नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है दोस्तों, पार्ट नंबर 44 में इसको फुल डिटेल में समझाऊं, इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। और एक चीज और बता दूं, पार्ट नंबर 44 आपको मिलेगा कहां से, उसका लिंक दोस्तों यहां ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं, आप आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट आप पार्ट नंबर 44 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप चाहे रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों, इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है दोस्तों, पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर
इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक चीज बता दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। जो नए स्टूडेंट होंगे दोस्तों नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों। बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।